क्लास आज हम इमला के अल्फाज लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हमारा लफ्ज है रात। रात कैसे लिखते हैं? रे अलिफ रा तेरा। रे को लाइन से ऊपर और लाइन से नीचे लिखेंगे। अलिफ को लाइन के साथ लिखना है, मिला के लिखना है। और साथ में क्या आएगा? ते। ते के दो नुक्ते, ते के ऊपर। रे की आधी शक्ल नहीं होती, अलिफ की भी आधी शक्ल नहीं होती, ते की आधी शक्ल होती है, लेकिन यहाँ पे हमने पूरी शक्ल क्यों लिखी है? क्योंकि ये लफ्ज के आखिर में आ रही है, क्योंकि ये लफ्ज के आखिर में आ रही है। वेरी गुड। रे अलिफ रा ते रात। रे अलिफ रा ते रात। वेरी गुड। अब हम रात लिखना स्टार्ट करें कॉपीज पे। हमारा दूसरा लफ्ज है चाट। चे की आधी शक्ल थोड़ी सी लाइन से ऊपर, साथ में अलिफ की पूरी शक्ल। चे के तीन नुक्ते लाइन से नीचे, चे अलिफ चा, साथ में टे की पूरी शक्ल आएगी। टे की पूरी शक्ल को लाइन के साथ टच करना है और टे के ऊपर टोपी। चार्ट में हम टे की पूरी शक्ल क्यों लिख रहे हैं नर्सरी क्लास? क्योंकि ये लफ्ज के आखिर में आ रहा है। अब पढ़े, चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, टे चार, टे चार। अब लिखना थर्ड हमारा तीसरा लफ्ज कौन सा है? शा। शीन की आधी शक्ल लाइन से थोड़ी सी ऊपर, शीन की आधी शक्ल, साथ में क्या जोड़ है? अलिफ। अलिफ की पूरी शक्ल, अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती, शीन अलिफ शा, और खे की भी पूरी शक्ल। पूरी शक्ल का सर्कल लाइन से नीचे और खे का नुक्ता खे के ऊपर। शीन अलिफ शा, शीन अलिफ शा, खे शा, खे शा। कौन सा है? मोर। मी वा मोरे, मोर। मीम की आधी शक्ल लाइन से ऊपर लिखे सब बच्चे, और साथ में किस चीज को मिलाना है? वाव को। साथ में क्या लिखना है? वाव। मीम वाव मोर, और रे की आधी शक्ल नहीं होती, तो हमने आखिर पे रे की पूरी शक्ल लिखी। हमारा आखिरी लफ्ज क्या है? किताब। क्याफ ते लिफ्ता बे किताब। क्याव की हम आधी शक्ल लिखेंगे थोड़ी सी लाइन से ऊपर, क्याव की आधी शक्ल थोड़ी सी लाइन से ऊपर लिखेंगे, साथ में ते की आधी शक्ल को जोड़ेंगे, ते की आधी शक्ल को जोड़ेंगे, ते के साथ अलिफ की पूरी शक्ल। क्याव ते रिफ्ता बे की पूरी शक्ल, क्योंकि ये लफ्ज के आखिर में आ रही है, बे को लाइन के साथ टच करना। किताब। सब किताब लिखना स्टार्ट करें।